चलो स्टार्ट करते हैं। अब आता है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है वो तुम्हें जो आंसर देता है वो आंसर देता है तुम्हें जीडीपी एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड जो तुम्हें आंसर देता है वो जीडीपी एमपी देता है। एक्सपेंडिचर मेथड जो तुम्हें आंसर देता है वो जीडीपी एमपी देता है, ठीक है। अब इकोनॉमी में ना चार तरीके के लोग जो है वो एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं। इकोनॉमी में चार तरीके के लोग एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं, ठीक है। पहला होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है गवर्नमेंट, तीसरा होता है आपका फॉरेन सेक्टर, और चौथा होता है आपका फर्म, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन होता है उसे हाउस होल्ड जो करता है वो कंजम्पशन करता है, हाउस होल्ड जो करता है वो करता है कंजम्पशन। एक मिनट, सॉरी, जो हाउस होल्ड करता है वो कंजम्पशन करता है, तो हाउस होल्ड करता है कंजम्पशन, और कंजम्पशन को जो हम डिवोट करते हैं वो सी से डिवोट करते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड की कंजम्पशन जो है ना वो डिपेंड होती है उसके इनकम पे, ठीक है, और उसकी इनकम को हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम, उसकी इनकम को हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। और इनमें होता है रिलेशनशिप पॉजिटिव। इनकम को हम मैक्रो में वाई से डिवोट करते हैं, अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और अगर इनकम घटेगी तो कंजम्पशन भी घटेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप इसमें ये याद रखना है, अगर हाउस होल्ड ने किसी भी बिल्डिंग विल्डिंग पे खर्च किया है या किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में खर्च किया है तो वो हाउस होल्ड के कंजम्पशन का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अगर उसने बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन पे कोई खर्च किया है तो वो उस हाउस होल्ड के कंजम्पशन का पार्ट नहीं बनेगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया 35,000 CR, ठीक है, इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन इट्स प्रॉपर्टी 1,000 CR, ठीक है, तो जो इंक्लूड होगा एक्सपेंडिचर मेथड में बस 34,000 CR होगा हाउस होल्ड के डोमेन। समझ गए, समझ गए। ओके, एक और चीज, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई खर्चा करता है तो वो भी हाउस होल्ड का ही पार्ट होता है। कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी खर्चा करता है तो वो भी हाउस होल्ड का ही पार्ट होता है। ओके, अब चलो देखते हैं जरा। इनकम मेथड के प्रिकॉशंस तो लिख लिए थे ना? अच्छा, इनकम मेथड मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, ठीक है, तो वो देख लेना, मैं भेज दूंगा लिंक। प्रिकॉशंस कर लिए थे ना जो जो थे। चलो ये ध्यान से देखना, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय हाउस होल्ड एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स दैट इज ड्यूरेबल गुड्स एक्सेप्ट हाउसेस, ठीक है। हाउसेस पार्ट नहीं बनता, ठीक है, हाउस होल्ड जो है वो फर्म वाले का पार्ट बनेगा, ठीक है। बाकी जितने भी गुड्स हाउस होल्ड कंज्यूम करता है वो सब इसका पार्ट बनेगा, लेकिन बस हाउसेस नहीं बनेंगे, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल टू हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट वेदर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रॉड
So any expenditure incurred by resident during their foreign tour travel will be added to the private final consumption expenditure. However, any expenditure incurred by non-resident and foreign visitor in the domestic market will be deducted from private final consumption expenditure. Okay. Or note, the expenditure incurred on the purchase or construction of owner-occupied house is treated as capital formation and included in the gross residential construction investment and not in the durable. तो देखो सिंपल सी बात है, अभी ना मैं तुम्हें ओवरऑल सिखा देता हूँ जिससे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है? फिर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में तुम समझ जाओगे। अभी बस ये याद रखना, जो हाउस होल्ड होता है वो अगर कोई हाउसेस पे खर्च कर रहा है तो वो इसका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं बनेगा, बाकी जितनी भी चीजों पर वो खर्च कर रहा है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। सेकेंड कॉम्पोनेंट आता है गवर्नमेंट, ठीक है? तो गवर्नमेंट के साथ कोई लोचा अटैच नहीं है, ठीक है? गवर्नमेंट जो है जिस चीज पे खर्चा करता है वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाता है, ना ही फॉरेन सेक्टर में कोई भी दिक्कत वाली बात है। फॉरेन सेक्टर का भी सेम सा है कि एक्सपोर्ट में से आपको इंपोर्ट माइनस कर देना है, ठीक है? एक्सपोर्ट में से आपको इंपोर्ट माइनस कर देना है, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट लिखा है तो आपको पॉजिटिवली लेना है, ठीक है? मतलब अगर उन्होंने खुद ही माइनस 30 दे दिया और नेट एक्सपोर्ट लिख कर दिया है तो माइनस 30 लिखोगे, लेकिन अगर नेट एक्सपोर्ट गिवन है, ठीक है, तो अब मैं उसे पॉजिटिव लू या नेगेटिव लू, तो नेट एक्सपोर्ट को आपको पॉजिटिव लेना है और नेट इम्पोर्ट को आपको नेगेटिव लेना है। अगर मान लो नेट इम्पोर्ट गिवन है 30, तो तुम भी जाकर प्लस 30 नहीं कर दोगे, तुम्हें क्या करना है, नेगेटिव 30, ठीक है? नेट इम्पोर्ट हमेशा नेगेटिव वैल्यूएशन में आएगा, नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव वैल्यूएशन होगा, ठीक है? और अगर नेगेटिव में गिवन है तब नेगेटिव लेना। समझ गए। तो अभी तक हमने तीन सेक्टर्स पढ़ लिए, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, ठीक है? अब जो सबसे दुख देता है इस वाले कॉन्सेप्ट में वो फर्म वाला सेक्टर देता है, ठीक है? फर्म जो खर्चा करता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है? कभी कभी ना तुम्हें ऐसे गिवन होगा क्वेश्चन को डिफिकल्ट लेवल बनाने के लिए कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप इसे ग्रॉस में कन्वर्ट करोगे। अगर नेट गिवन है, अगर ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, प्लस डेप्रिसिएशन कर दोगे, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है? अभी जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना, वो दो चीजों को मिलाकर बना है, एक ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और एक लास्ट चीज है चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। समझ गए? ओके, अब ना पहले हम लर्न कर लेते हैं क्वेश्चन को ना। सबसे पहले तुम्हें जीडीपी एमपी के इक्वल बनाना है, ठीक है? तो हाउस होल्ड का हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा होगा, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा होगा, फॉरेन सेक्टर का या तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अलग अलग इंडिविजुअली गिवन होगा या फिर आपको एक साथ गिवन होगा, नेट एक्सपोर्ट या नेट इंपोर्ट, ठीक है? जो फोर्थ फैक्टर आता है वो आता है आपका फर्म, और यही सारी चीजों को दिक्कत वाला भरा हुआ बनाता है, ठीक है? अगर क्वेश्चन में आपके ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है तो आपको चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है, और अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं लिखा, क्या लिखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो सीधा आप उस वैल्यूएशन को ले लोगे, ठीक है? अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है तो सीधा वही वैल्यूएशन आ जाएगा, और अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है तो आपको चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है, चेंज इन स्टॉक को ऐड करने के बाद आपका नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा, इन चारों कॉम्पोनेंट्स को ऐड करने के बाद आपका जीडीपी एमपी आता है, ठीक है? तो पहले ना हम कोई वर्कशीट कर लेते हैं, तब जाकर थोड़ा कॉन्फिडेंस टाइप बढ़ेगा, क्योंकि अभी अच्छे से नहीं आया होगा। तो पता कैसे करे कि ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड है, इनकम मेथड है? तो देखो जो इसके कॉम्पोनेंट्स है वो किसके डिवोट कर रहा है, ये जो इसके कॉम्पोनेंट है वो आपके एक्सपेंडिचर मेथड को डिवोट कर रहा है, इसलिए
तो सबसे पहले आप सब लिखो जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी जल्दी से। क्या हमने उस जीडीपी एमपी में ये पढ़ा था करंट ट्रांसफर ऑफ द गवर्नमेंट? नहीं पढ़ा, ठीक है तो ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, क्या हमने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन पढ़ा था? हाँ, क्योंकि हाउस होल्ड का जो होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, तो मैंने 400 ले लिया। क्या मैंने नेट करंट ट्रांसफर पढ़ा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा मैंने नेट करंट ट्रांसफर। क्या मैंने गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ा था? पढ़ा था, इसलिए 100 ले लेंगे। क्या मैंने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। क्या मैंने नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा था? पढ़ा था, ठीक है, लेकिन ये नेट गिवन है, इसे ग्रॉस करने के लिए क्या करना, डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, +50 +80। ठीक है, क्या मैंने नेट एक्सपोर्ट पढ़ा था? हाँ, नेट एक्सपोर्ट पढ़ा था 40। क्या मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। ठीक है, इन सबको ऐड करो सर, कितना आ रहा है? 670। ठीक है, मेरा जीडीपी एमपी आ गया 670। मुझे जो निकालना है वो नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम का जो बेस होता है वो एनएनपीएफसी होता है। एनएनपीएफसी इक्वल टू जीडीपी एमपी, ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, डी से एन पे जाना है प्लस एनएफआईए, एमपी से एफसी पे जाना है तो माइनस एनआईटी। करो जरा, नहीं ये देखना, ये ना नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रहा है और इसे तुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस करने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड होगा 550। क्या हुआ, नहीं आया? आर एफ 550। गिरा ना एनएफआई, ये तो आपको गिवन है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सीधा सीधा गिवन। आ गया 550, आ गया रुपी इन सीआर। ठीक है, रुपी इन सीआर लिख लेना, मगर ना आधा मार्क्स कट जाएगा। क्या आ रहे हैं 550 कैसे आएगा दीजिए। अरे रुको रुको रुको, पहले 670 आया, ये तो पता चल गया 670 आ गया ना। ठीक है, अरे जीडीपी एमपी 670 आया ना, क्या जीडीपी एमपी तो 670 आया था। ठीक है, आ गया, ये समझ आ गया सबको। चलो अब नेक्स्ट वाला खुद करना। चलो एक और ना सब मिलकर कर लेते हैं, जीडीपी एमपी लिख लो जल्दी जल्दी। पहले पहले ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, स्किप कर दो, जीडीपी एमपी लिखो। क्या हमने नेट करंट ट्रांसफर पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। क्या हमने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ा था? पढ़ा था 250। क्या हमने नेट फैक्टर इनकम? नहीं पढ़ा था। गवर्नमेंट वाला पढ़ा था वो 50 है। उसके बाद कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अभी मुझे नहीं पता, ये हमने नहीं पढ़ा। नेट एक्सपोर्ट पढ़ा था हमने, नेट एक्सपोर्ट -10 है तो -10 ले लेंगे। उसके बाद सब्सिडीज हमने नहीं पढ़ा। अब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, तो +30 एंड प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ग्रॉस करने के लिए, और इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने नहीं पढ़ा। इन सबको ऐड करो जरा, कितना आ रहा है? 345। वेरी गुड, अब ध्यान से सुनना, यहाँ नेशनल इनकम नहीं निकालना, एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम निकालना है। तो एनडीपीएफसी इक्वल टू जीडीपी एमपी, ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस डेप्रिसिएशन, डी और डी सेम है, पी और पी सेम है, माइनस एनआईटी। ठीक है, अब जल्दी से करो जरा इसे, ये मैं मिटा देता हूँ। मानसी आ रहा है समझ? थ्री हंड्रेड टेन आ रहा है, 310। देखो देखो कैलकुलेशन दिक्कत मारी होगी तुमने।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रुक जाओ बेस सही बनाया आपने, ये देख सबका आ गया, आ गया, दिक्कत तो नहीं है। 310 310 आ गया 310। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और अब से ना मैं रोज रिकॉर्डिंग कर यूट्यूब पे ऐसे ही नाम करके डाल दूंगा, इनकम मेथड ऐसे ही मैंने डाल रखा है, ट्यूशन बाय राहुल जायसवाल विदाउट एनी कैप यूट्यूब पे चैनल है, ठीक है, जल्दी से वहां से देख लेना। तो हम ना अपना कोर्स जो है वो ढंग से करते रहेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट ना खुद ट्राई करना, चलो पहले एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो, जरा जीडीपी एमपी निकालो, और जीडीपी एमपी से फिर आपको निकालना है जीएनपीएफसी, पहले जीडीपी एमपी उसके बाद जीएनपीएफसी, ठीक है। उसी स्टेप से करना, ठीक है, कुछ और मेथड मत लगाना, बुक खोलोगे तो एक साथ कर रखा है सब कुछ। क्या तूने जीडीपी एमपी निकाल लिया? अरे पहले वो करना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट वाला, क्या कर रहा है तू, ग्रॉस से नेट पे जाना है, अभी कैसे हो जाएगा वो? एक भी बेस बेस गिवन है क्या इसमें? बेस तो कुछ गिवन ही नहीं है, वो नहीं पता। अभी एंड रिजल्ट जीएनपीएफसी निकालना है, एंड रिजल्ट जो आपको निकालना है वो जीएनपीएफसी निकालना है। जीडीपी एमपी कितना आया? 1740, ठीक है। क्या हुआ तुमने, कहा अरे 40 ये लिया है 1000, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड किया, ओके उसके बाद ये तो नहीं पढ़ा था, ये भी नहीं पढ़ा था, ये लिया, ये नहीं पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा, ये लिया। अरे नेट एक्सपोर्ट, फॉरेन सेक्टर क्या करता है नेट एक्सपोर्ट ना, हाँ -20 740 थोड़ी आ रहा है, एक बार देखना जीडीपी एमपी में आपने 1000 प्लस 200 प्लस 500 माइनस 20 लिया है कुछ, प्लस 60 क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन लेना था ना, क्योंकि नेट था ना, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसे ग्रॉस बनाने के लिए क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन लेना होगा। पार्ट ऐसे नहीं आएगा, तुमने वैल्यू एडेड सीखा है तो फिर तुझे अगर थर्ड नहीं आता तो तू फोर्थ नहीं कर पाएगा। कर लिया, कर लिया, सबने वैल्यू, सबने वैल्यू एडिड तो किया है ना, वैल्यू एडिड सबने किया, इनकम मेथड बहुत जनों ने नहीं किया, बाकी ठीक है, ठीक है। निकालो जरा एक्सपेंडिचर मेथड से, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड जल्दी से, नेक्स्ट करो अब, नेक्स्ट जल्दी से, हाँ जल्दी अब ये वाला करो, 11th एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है, और जिसको भी वर्कशीट मिल रही होगी सेंड कर देगा मुझे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चलो, ये नहीं पढ़ा तो मत लो, गवर्नमेंट पढ़ा लो, ठीक है। चार ही सेक्टर तो है, हाउसहोल्ड फॉर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, तो फॉर्म पे बस पॉज मारना पड़ता है, बाकी सब में तो पॉज ही नहीं मारना, सीधा डायरेक्ट है। नहीं नहीं इनकम मेथड थोड़ी कर रहा है, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर में बस एक्सपेंडिचर सोच, रेंट वो रिसीव वाला है।
अरे डिस्कशन ही डिस्कशन ही, अपने आप करो ना, गलती करो। अगर कंसिडरेशन की बात करें, ये हमने नहीं पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था, ये हमने नहीं पढ़ा। एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहा हूँ, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा है, डेप्रिसिएशन इसमें ऐड हो जाएगा। ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ा है तो ये ऐड हो जाएगा। ये नहीं पढ़ा, ये ऐड होगा इसमें, ठीक है, एंड ये ऐड होगा, ठीक है। तो चार कंपोनेंट आ रहे हैं, 1000 प्लस 500 प्लस माइनस 50 प्लस प्लस 40 प्लस 4000, कितना आ रहा है? 5490। उसके बाद तो हमें जो निकालना है नेशनल इनकम निकालना है, एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी निकालना है। 5490 आ रहा है, 5 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
किस चीज पे? अभी तो यही हो रहा है, तो तुझे नहीं और बुरा लग रहा है। चल आ जा थोड़ा पहले, मैं ना इस संडे करवा दिया, ठीक है? इसके बाद तो चैप्टर कुछ और ही होना है, तो फिर वो तुझे समझ आएगा। आ गया सबका आंसर 5120, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है? अगर ये आ गया तो इस यूटी में तो तुम्हें कोई पास होने से रोक नहीं सकता, उससे अच्छे ही आएंगे, ठीक है? ये आ गया, आ गया ना? क्या तू टेप कर क्यों कर रहा है, मुझसे पूछना क्या नहीं है? टाइम नहीं है? तो भाई तो चलो, तुम्हें अब प्रैक्टिकल अप्रोच से तो आ गया, लेकिन अब थ्योरेटिकल अप्रोच से भी चीजें आनी चाहिए, ठीक है? गवर्नमेंट का उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? गवर्नमेंट वाला ज्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है? बस ये पढ़ने की जरूरत है। तो इट रेफर्स टू अ एडिशन, ये फॉर्म वाली चीज है, ठीक है? इट रेफर्स टू अ एडिशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। इट रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोडक्शन यूनिट। तो इसमें ना ये लिख लेना कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है जो एक साल से ज्यादा के लिए, जो हाउस होल्ड की इन्वेस्टमेंट है एक साल से ज्यादा के लिए कंस्ट्रक्शन में, और जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है, उन तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है? तुम्हारे क्वेश्चन पेपर को हार्ड बनाने के लिए मैम चेंज इन स्टॉक नहीं लिखेगी, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लिखेंगी। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब भी चेंज इन स्टॉक होता है, हमेशा याद रखना, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब भी चेंज इन स्टॉक होता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब चेंज इन स्टॉक है। लास्ट प्री बोर्ड के टाइम पे डीपीएस स्कूल में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दे दिया था वैल्यू एडेड में, अब वो बच्चा ढूंढता रह गया कि चेंज इन स्टॉक तो मिल ही नहीं रहा, ठीक है? जबकि कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब चेंज इन स्टॉक होता है, ठीक है? ये एक जगह बॉक्स बनाकर लिखते जाना, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब चेंज इन स्टॉक होता है। और इन्वेंट्री एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और चेंज इन इन्वेंट्री फ्लो कॉन्सेप्ट है। इन्वेंट्री जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और चेंज इन इन्वेंट्री फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो बोलो जल्दी, बोलो बोलो। आ गया समझ? रुपी नहीं लगा, एनसीआर नहीं डाला, हाँ ये लिख लेना। ये सीवीटी में एक क्वेश्चन आया था, एनी इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कंज्यूम, तो हाउस होल्ड के गुड्स को तो सीधा फाइनल मान लेते हैं ना,
उसके साथ कोई क्लॉज थोड़ी है कि एक साल से ज्यादा रहा तो हम उसे कैपिटल गुड्स मान लेंगे, ठीक है? तो एनी इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कंज्यूमर गुड्स विद हाउसहोल्ड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट एज इट इज अज्यूम दैट सच गुड्स आर कंज्यूम्ड द मोमेंट दे आर परचेज, ठीक है? तो हाउसहोल्ड के लिए तो हम ये मानते हैं कि जब उसने खरीदा तब उसने खा पी लिया होगा. परचेज ऑफ शेयर्स डिबेंचर ईदर ओल्ड और न्यू इज नॉट इंक्लूडेड अंडर क्या ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एज इट सिंपली अ परचेजिंग पावर एंड देयर इज नो एडिशन ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही होती इसलिए ऐसा कर रहे होते हैं. और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स लाइक ओल्ड हाउस और मशीनरी इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. इसमें देखो किसी को कोई दिक्कत है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला. एक्सपोर्ट 500 था, इंपोर्ट 300 था, 200 आंसर आ गया. एक्सपोर्ट 600 था, इंपोर्ट 700 था, नेगेटिव आंसर आ गया माइनस 100. एक्सपोर्ट 0 था, इंपोर्ट 200 था, नेट एक्सपोर्ट आ गया माइनस 200. ठीक है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब डिफरेंस क्या होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट जो होता है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स जिसे तुम टच कर सकते हो, सर्विसेज जिसे तुम टच नहीं कर सकते हो. और ये है कि आपने कितना पैसा पे किया बाहर वाले को और कितना बाहर वाले ने आपको पे किया, ठीक है? ये एक डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है और ये जो है वो एक नेशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल कॉन्सेप्ट, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, नेट एक्सपोर्ट. फैक्टर और नॉन फैक्टर, तो इट इंक्लूड नॉन फैक्टर सर्विसेज लाइक बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस. इट इंक्लूड फैक्टर सर्विसेज. चलो अब लिख लो प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड. पहले वाले में तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है. वैल्यू एडेड में भी पढ़ा था एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. सीधा फाइनल गुड्स इंक्लूड होते हैं. डबल काउंटिंग नाउ अवॉइड ऑफ डबल काउंटिंग में हमने दो मेथड्स पढ़े थे, एक वैल्यू एडिशन वाला और एक फाइनल गुड्स वाला. ट्रांसफर पेमेंट भी हमने पढ़ा था वैल्यू एडेड में, ये भी इंक्लूड नहीं होता क्योंकि फ्री फंड का नहीं होता. सेकेंड हैंड भी पढ़ा था लेकिन अगर ब्रोकरेज आ जाए या कमीशन आ जाए तो इंक्लूड होता है. परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ये भी हमने पढ़ा था लेकिन बीच में अगर ब्रोकर आ जाए तो इंक्लूड होता है, ठीक है? और एक्सपेंडिचर ऑन ओन प्रोडक्शन ये इंक्लूड होता है अगर खुद के लिए वो कर रहा है तो. मतलब अगर मान लो मैं रोटी सब्जी बनाता हूँ, ठीक है, और उसे बेचता हूँ. अब कुछ थोड़ी रोटी सब्जी मैंने खा ली तो अपने कंजम्पशन के लिए तो वो ड्रॉइंग हो जाएगा और ड्रॉइंग इंक्लूड होता है लास्ट में, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? ओके. किसी को कुछ लिखना तो नहीं है ना इसमें? चलो अब ना मैं तुम्हें एक सीयूईटी का पेपर दिखाता हूँ, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि किस टाइप का पेपर आता है. मतलब एग्जैक्ट पेपर मॉक वॉक नहीं है, वो असली पेपर है. पहला बताओ क्या होगा. हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ लिया है, ये सीवीटी का एग्जाम है, 5 मार्क्स दे देगा तुम्हें पहला क्वेश्चन. फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि नेशनल इनकम और प्रॉफिट चेंज होते रहते हैं, हर साल कैलकुलेट होते हैं. और जो कॉमर्स स्टूडेंट है वो ऐसे याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो हर साल बनता है, ठीक है? तो अगर यहाँ पर नेशनल वेल्थ गिवन होता तब ये क्या होता, तब ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता. लेकिन नेशनल इनकम गिवन है इसलिए फ्लो कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है? समझ गए? समझ गए? ओके. उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था, ये हमने पढ़ा था ना? नहीं नहीं, जहां वी के आरवी राव दिखा, क्या बोला उसने? इंडियन प्लानिंग पीसी. ये जो बॉक्स बना था याद है? याद है? एक बॉक्स बना था ग्रीन या ब्लू कलर का लिखा था, ठीक है? 10 मार्क्स हो गए. एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और अगर गलत किया तो 1 मार्क्स डिडक्ट और टोटल जो है वो आपका 200 मार्क्स का है. ये बताओ जरा कौन सा होगा?
ढंग से पढ़ना ढंग से, और ये मत करियो विलियम डिगबाय आ जाता तो टू टिक कर देता क्योंकि नाम सुना सुना लग रहा है। ये असली पेपर है असली सीवीटी का। ठीक है बताओ सर्कुलर फ्लो तो पढ़ा है तुमने। मनी फ्लो में क्या होता है, फॉर्म टू हाउस होल्ड होता है ना, ठीक है। यहाँ क्या बोला, हाउस होल्ड टू फॉर्म, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है ना। पैसा कैसे फ्लो हो रहा होता है, फॉर्म टू हाउस होल्ड हो रहा होता है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डज नॉट टेक प्लेस इन, ये तो गलत बात है ना, क्लोज्ड इकोनॉमी में भी सर्कुलर फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। तो तुमसे क्या पूछा है, विच वन इज इनकरेक्ट, ये दोनों तो करेक्ट है। रियल फ्लो में हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज फॉर्म को दे रहा होता है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। टू सेक्टर इकोनॉमी, टोटल प्रोडक्शन, हर चीज इक्वल होती है टू सेक्टर में, तो ये दो तो करेक्ट स्टेटमेंट है और ये दो जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। नहीं आया समझ, जिसे नहीं आया वो रीजन बता दो, ए और डी, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इनका किसे नहीं आया समझ, पहले ये बताओ, तुम दोनों को नहीं आया, तुम्हें आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, तुझे आ गया, नहीं आया, नहीं आया तो बता क्या पता। अभी जो पेपर बिल्डअप होगा ना, इन्हीं सबसे बिल्डअप होगा, प्री बोर्ड का पेपर, वो बोर्ड जो हुआ है, फिर सीयूटी में जो आया था, उन दोनों का कॉम्बो मिलाकर मैम दे देंगे, जो उनका क्वेश्चन पेपर बिल्डअप हो पहले यूटी में। ये समझ आ गया, नहीं आया तो बता दो। मनी फ्लो फर्म टू हाउस होल्ड होता है, पहले पैसा जो है फर्म हाउस होल्ड को देता है, उसके बाद वो खर्च करता है। मनी पढ़ा है ना हमने, ये वाला देखो जरा, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट। देखो ई तो डिलीट हो गया क्योंकि रियल फ्लो में तो पैसों का यूज, रियल फ्लो में पैसों का यूज नहीं होता। यहां क्या बोला है, मनी सप्लाई इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रियल फ्लो, तो ई वाला ऑप्शन तो डिलीट हो गया। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, मनी सप्लाई, हाँ, एंड डिमांड डिपोजिट डिमांड, तुम लोगों ने तो मनी नहीं पढ़ा, अच्छा तुमने भी नहीं पढ़ा, ठीक। मैंने नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी बताया ना, जब करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से, और जब बेस ईयर के प्राइस को करंट ईयर की, ये वाला निकालो जरा, देखो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी, ठीक है, जल्दी लिखना जल्दी। और रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है बेस ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी। रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है बेस ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी, और नॉमिनल का होता है करंट ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस। निकल गया आंसर, बेस ईयर का मतलब है जो भी प्रीवियस ईयर है, ठीक है। अरे अब तक तो निकलना चाहिए, पढ़ गया। अरे 2000 है तो ये कौन सा हो गया, 2000 इट हैड प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ ब्रेड एंड प्राइस, थर्ड ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्यों हुआ, नहीं आया तुम्हें, कितना आया, क्या कैसे आया, तुम्हें नहीं आया, जिसे नहीं आया ना बोलो ना, नहीं आया, ठीक है। अभी देखो, अभी तुम्हें खुद लगेगा कि ये कितना इजी था, किस किस का नहीं आया, नहीं आया। सिद्धार्थ तुम्हारा आ गया, कौन सा था, एट्थ था शायद, पहले सबने ये फॉर्मूला लिख लिया है, ठीक है। अगर मैं 2000 की बात करूं तो 2000 तो मेरा बेस ईयर है ना, क्योंकि जो जो पुराना ईयर होता है वो बेस ईयर हो गया,
और 2001 मेरे लिए क्या हो जाएगा, करंट ईयर, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा मुझे कोई ईयर दिख नहीं रहे, ठीक है। अब देखो 2000 है, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ था और प्राइस जो था वो 10 था, तुमसे किसका पूछा है, इन 2001 नॉमिनल और रियल जीडीपी बताओ, तो तुम 2000 को तो देखोगे ही नहीं उतना, तुम्हें जो निकालना है वो 2001 का निकालना है। अब 2001 में प्रोडक्शन कितनी हुई है, 110 यूनिट, और प्राइस कितना था, 15, ठीक है। तो अगर मुझे नॉमिनल जीडीपी निकालनी है तो करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी, तो करंट ईयर का प्राइस 15, करंट ईयर की क्वांटिटी 110, समझ आया, समझ आया। और उसके बाद वैसे ही मुझे रियल जीडीपी निकालना है तो करंट ईयर की क्वांटिटी 110 और बेस ईयर का प्राइस कितना था, 10, ठीक है, समझ गया। इसलिए इसका आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। समझ गए, समझ गए, ओके। अब किसी को कोई दिक्कत, प्रियांशु तुझे आ गया समझ, नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला बताओ, अरे और बेस वो रियल जीडीपी, बेस प्राइस, कौन सा, कौन सा ये वाला, अच्छा हाँ चलो करो करो। क्वांटिटेटिव पूछा है तो बैंक रेट क्वांटिटेटिव हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन और कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, मॉरल सिचुएशन और मार्जिन रिक्वायरमेंट वो होते हैं क्वालिटेटिव। मार्जिन रिक्वायरमेंट वही गोल्ड लोन वाला था कि आप गोल्ड लेकर गए, आपको लग रहा है 1 लाख उधार मिल जाएगा क्योंकि मार्केट वैल्यूएशन 1 लाख है, लेकिन उसने बोला कि उतना नहीं जान रहे, ठीक है। तो इसका होगा बी सी डी, और हाँ बी सी डी, हाँ सेकंड वाला, ठीक है। नहीं अभी ना मैं तुम्हें कुछ और दिखा रहा था, वो कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे ये क्वेश्चन पढ़ लो, अभी मैं इसका आंसर नहीं मांग रहा, बस तुमसे एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि सीवीटी में क्या इंपॉर्टेंस है। पढ़ लिया सबने, बस क्वेश्चन पढ़ना है, कुछ आंसर आंसर मत सोचना, बस क्वेश्चन पढ़ लो, पढ़ लिया ना क्वेश्चन, अरे कुछ याद नहीं करना, बस क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। अब कर लू ना, अब ये पढ़ो जरा, सेम स्टेटमेंट टेप रखा है ना, कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से ही बनेगा, ठीक है, एग्जाम जो है वो एनसीईआरटी से ही बनेगा, ठीक है। डिट्टो डिट्टो, अगर तुम्हें एनसीईआरटी के पैसेजेस याद है तो तुम सीयूटी अच्छे से क्रैक करने वाले। नहीं नहीं हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में कोई भी उठा लो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी, ठीक है, डिट्टो। और जैसे वो वाला भी क्वेश्चन जो दिखाया ना मैंने, वो अभी कौन सा दिखाया था, हाँ वो भी उसमें दिख जाएगा। ये बताओ जरा, ये पढ़ा है हमने 5 ईयर प्लान, जिससे सेकंड चैप्टर पढ़ा है, सुना ली तुमने भी पढ़ा है सेकंड चैप्टर, इंडियन इको मॉडर्नाइजेशन, तो मतलब कौन सा ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ वाला, क्या चार चीजों को ही तो ले रहा था, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, सिंपैथी और सेल्फ, अच्छा सब में जिसमें सी है वो नहीं होगा ना, बाकी सारे ऑप्शन, हाँ तो एक ही ऑप्शन है जिसमें सी नहीं है। ये बताना जरा, ये पढ़ा रखा है मैंने फॉरेन एक्सचेंज,
रेजिंग द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज. हाँ नहीं 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 रीवैल्यूएशन, जब गवर्नमेंट खुद अपनी करेंसी को बढ़ा देता है. नहीं नहीं एप्रिसिएशन तो डिमांड एंड सप्लाई से होता है. दो टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट होते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और एक फ्लेक्सिबल. ठीक है, तो फिक्स्ड वाले में क्या होता है, गवर्नमेंट सेट कर रहा है. हाउ फार सिंपल. सर आपको एक ये किसी सर से मांग रहा हूं. हाँ हाँ है ठीक है, दिखाना है एक बार साइकोलॉजी का. नहीं आप भेज सकते हो. हाँ 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 मैं भेज दूंगा. ठीक है सारे. हाँ सारे सब्जेक्ट्स, बुक्स भी है. अरे लेकिन फिर तुम सबको भेज दोगे ना अपने जनों तक ऊपर. चलो ये करो जरा. ये बताओ जल्दी से. अरे ट्राई करो जल्दी से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. देखो शुगर परचेज बाय रेस्टोरेंट ये तो इंटरमीडिएट हो जाएगा, तो ये तो इंक्लूड होगा नहीं. एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड ये इंक्लूड हो सकता है क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में करते हैं हम. कंट्रीब्यूशन टू वर्ड सोशल से एम्प्लॉय है पर, अरे स्टील परचेज बाय अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो तो इंटरमीडिएट हो जाएगा ना. ये भी नहीं होगा तो सेकेंड होगा ना. अभी तुमने एक्सपेंडिचर मेथड किया उसमें हाउस होल्ड नहीं आया था क्या. हाउस होल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी स्कीम होता है, एम्प्लॉय नहीं होता. मतलब अभी तुम जब इनकम मेथड समझ जाओगे ना तो तुम्हें इसका रीजन पता चल जाएगा. ठीक है, इनकम मेथड जिन्होंने किया उन्हें पता होगा कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के तीन पार्ट्स होते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल. तुम थे ना इनकम मेथड. क्या हुआ मानसी तुम्हें आ रहा है ना सुन. क्या नहीं आ रहा तो ना बोलो ना फिर. ये जरा बताओ जरा, ये भी हमने किया है सेकंड चैप्टर. द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी दैट रिलेट टू द क्वेश्चन व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. डज नॉट डील विद इट. What to produce and in what context? हाँ. Quantities of different goods. Combination of goods to be produced. इसका first होना चाहिए. ठीक है. अब first कैसे ये देख लेते हैं. हाँ कोई बात नहीं, मेरे 350 सब्सक्राइबर है, क्या ही होगा इंडिया की पॉपुलेशन देख लो. हाँ ये देखो जरा, एवरी सोसाइटी मस्ट डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ ईच ऑफ द मेनी पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज इट विल प्रोड्यूस, वेदर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ फूड क्लोथिंग हाउसिंग और टू हैव मोर ऑफ लग्जरी गुड्स, whether to have more agriculture goods or have industrial product and services, whether to use more resources in education and health or to use more resources in building military services, whether to have more of basic education or more of higher education, whether to have more of consumption goods or to have investment goods like machine which will boost production and consumption tomorrow. So yahan par distribution ki baat nahi ho rahi, whether to have this or this wala. हाँ कि रिसोर्सेस का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा. अब जरा ये तो समझ गया इसका आंसर. ये वाला करो जरा, ये हमने कर रखा है जिन्होंने वैल्यू एडेड किया है. सपोज इन एन इकोनॉमी देयर आर ओनली टू फर्म्स. स्टार्ट 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 60 मिनट्स मिलेंगे बस तुम्हें.
और 45 क्वेश्चंस आएंगे आउट ऑफ, नहीं 50 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से 40 करने, 40 करने ठीक है, और 60 मिनट्स मिलेंगे. इको और अकाउंट्स के लिए 60 मिनट्स है और मैथ्स के लिए, बाकी सबके लिए 45 मिनट्स. 140 सपोज इन एन इकोनॉमी देयर आर ओनली कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. देखो सबसे पहले तो दोनों को ऐड कर दोगे ठीक है, इन दोनों को भी ऐड कर दोगे और ये हो जाएगा माइनस, और उसके बाद जो आंसर आ रहा है वो आपका आंसर है, क्योंकि जीडीपी एमपी मतलब क्या होता है, टोटल वैल्यूएशन. ठीक है, क्या तुम्हें भी यही लग रहा था? ये 250 हो गया, ये कितना हो गया? -10. 250 और -10 कितना हो गया? 240. और 100 गया तो 140. ठीक है, आंसर जो है वो सेकंड होगा. फिर दोनों को ऐड कर देना, दोनों को ऐड कर देना तब भी आ जाएगा. समझ गया ये क्वेश्चन? आ गया कोई दिक्कत इसमें? ये देखो, देखो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये तो पता है तुम्हें ठीक है. और उसमें भी एक फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ठीक है, तुम्हें ये 50 गिवन है और 200 गिवन है. ठीक है, यहाँ ना जीडीपी एमपी मतलब पूरे पूरे इंडिया की बात हो रही है. ठीक है, तो फॉर्म ए ने किया है फॉर्म बी ने किया है 200 का और फॉर्म ए ने किया है 50 का, ये इसकी सेल्स हो गई. ठीक है, और इन्होंने जो चेंज इन स्टॉक किया है वो किया है 20 प्लस और माइनस 30. ठीक है, इन सबको तुम ऐड कर दोगे और माइनस कर दोगे 100 से, क्योंकि जीरो वाले फॉर्म ए का कोई इंटरमीडिएट है नहीं. ठीक है, तो ये हो गया 250 प्लस 20 माइनस 30, तो 270 माइनस 30 240. ठीक है, समझ गए समझ गए, कोई दिक्कत? ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं. केस बेस भी आता है ठीक है. हाँ, कैलकुलेशन के लिए अलग शीट दी जाएगी. क्या क्या कुछ पूछ रहे हो? कौन से क्वेश्चन? हाँ नहीं नहीं, अगर आपने उसे ट्राई नहीं किया तो 0 मार्क्स, अगर आपने ट्राई किया और गलत हुआ तो 1 मार्क्स डिडक्शन, और बाकी सही हुआ तो 5 मार्क्स. तो अगर नहीं आता तो ना करो तो अच्छा है. नहीं नहीं अभी कैसे, छह बजे ठीक है ठीक है. हाँ तो आज मैं कर दूंगा 5:45 पे. अच्छा हाँ वो करवाना था. हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लो एक, जो आएगा ही आएगा ठीक है, स्कूल में तो पूरे टाइम आएगा ये क्वेश्चन. जीडीपी एंड वेलफेयर, हाँ एक्सटर्नालिटीज वाला करवा, मैम ने करवा दिया. हाँ ये आएगा ही आएगा ठीक है, जीडीपी एंड वेलफेयर. अब दो ही टॉपिक बचे हैं इसके ठीक है, इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड तो तुम प्रिकॉशन से सीख जाओगे. दो टॉपिक बचे हैं, एक जीडीपी डिफ्लेटर वाला और एक ये वाला. लिख दो जीडीपी एंड वेलफेयर ठीक है, ये ध्यान से समझना ठीक है. जीडीपी एंड वेलफेयर का मतलब है कि ये कह रहा है कि भाई अगर जीडीपी बढ़ता है तो जरूरी नहीं है कि वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी भी बढ़ता है. मतलब लोग जो है, लोगों का भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, लोगों को भी बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट मिलता है, ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है. सबसे पहला पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. क्या पता बस अंबानी के ही पैसों की बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ गया हो, तो वो तो अंबानी के घर को वेलबींग देगा ना,
बाकी हर किसी के घर को वेलबींग थोड़ी देगा. तो इट इज पॉसिबल दैट विद राइज इन जीडीपी इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में ऑल्सो इंक्रीज. दैट इज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीजेस. जीडीपी डज नॉट टेक इन टू अकाउंट चेंजेस इन द इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. सो वेलफेयर ऑफ द पीपल मे नॉट राइज एज मच एज द राइज इन जीडीपी. पहला पॉइंट समझ आ गया. अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है हर किसी का वेलफेयर हो रहा हो. ठीक है. दूसरा है कि अगर मान लो ये नॉमिनल और रियल की तरह है. अगर मान लो कि मैं 10 स्टूडेंट्स पढ़ाता था 100 रुपए देते थे. ठीक है. तो ये हो गया 1000 रुपए. ठीक है. अब मान लो अभी भी मैं 10 स्टूडेंट्स ही पढ़ाता हूँ. अब वो मुझे देते हैं 200 रुपए. तो ये हो गया 2000. रियालिटी में तो प्रोडक्शन बढ़ी नहीं ना. ठीक है. प्राइस के बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ गया. ठीक है. तो जीडीपी जो होता है वो वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी नहीं होता. ये सेकेंड रीजन हो गया. ठीक है. कि इन्फ्लेशन की वजह से अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो अच्छी बात नहीं है. ठीक है. If increase in GDP is due to rise in prices and not due to increase in physical output, then it will not be reliable index of economic welfare. दोनों पॉइंट समझ आ गए. पहला distribution of GDP की inequality बढ़ाता है और दूसरा क्या है changes in prices. Third आता है non-monetary exchanges. Non-monetary exchanges का मतलब है मम्मी अगर रोटी बना रही है या मम्मी अगर काम कर रही है तो वो सारे पैसे जो है वो include नहीं होते national income में. लेकिन वो welfare तो देते हैं. ठीक है. तो GDP जो होता है वो अच्छा indicator नहीं होता. तो मेनी एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी आर नॉट इवैल्यूएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स. नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन लाइक सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, किचन गार्डनिंग, लेजर टाइम एक्टिविटी एक्सेट्रा नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा. हाउएवर सच एक्टिविटी इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक वेलफेयर. ठीक है. उसके बाद एक्सटर्नैलिटीज. ठीक है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इन सब में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक्सटर्नैलिटीज. एक्सटर्नैलिटीज का एग्जाम्पल ले सकते हो. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज की पहले बात कर लेते हैं. जैसे केजरीवाल सर ने पार्क में जिम सिस्टम लगा दिया, ओपन जिम सिस्टम. ठीक है. उसकी वजह से क्या होगा, लोग हेल्दी होंगे. लोग हेल्दी होंगे तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी. लोग बीमार नहीं पड़ेंगे. लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स कम बनाने पड़ेंगे. जब गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स कम बनाने पड़ेंगे तो उनके पास जो सरप्लस फंड होगा उससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर और उस पर खर्च कर सकते हैं, एजुकेशन पे. ठीक है. फिर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो गई. ठीक है. नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में ले लो कि यहाँ पर एक फैक्ट्री थी और उसके आसपास एक रिवर था. वहां पर जाकर वो अपना वेस्ट मटेरियल डाल देता था, डंप कर देता. अब वेस्ट मटेरियल डंप कर देता तो आसपास जो रिवर के पानी को यूज करते थे फार्मर्स हो गए या फिर मान लो जो लोग यूज करते थे या जो एनिमल्स यूज करते थे वो बीमार पड़ रहे थे और जो फिशरमैन थे उनको भी हर्डल आ रहा था. ठीक है. तो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो गई. ठीक है. तो ये क्या इंडिकेट करना चाहता है, ये इंडिकेट करना चाहता है कि एक को तो उसने फायदा दिया फैक्ट्री वाले को लेकिन दूसरे का तो उसने नुकसान कर दिया ना जो आसपास के पानी को यूज कर रहा था. ठीक है. उसके बाद आता है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. अब ये भी तो रीजन हो सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण लोग काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं तो जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है. लेकिन रियलिटी में तो वो एक एक्युमुलेशन ऑफ अमाउंट है. सबके पास पर इंडिविजुअल तो कम ही जा रहा है. ठीक है. उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी. अगर मान लो इसके घर में 100 रुपए आ रहे हैं और इसके घर में 10 लाख रुपए आ रहे हैं. ठीक है. उस 10 लाख में से 8,50,000 ये रिवॉल्वर बेचकर कमाता है तो ये अच्छा इंसान थोड़ी है. ठीक है. वैसे ही अगर मान लो इंडिया जो है वो बहुत कमा रहा है लेकिन वो जो कमा रहा है वो रिवॉल्वर बेचकर, पिस्टल बेचकर, मतलब अलग अलग चीजें बेचकर जो हार्मफुल है इकोनॉमी के लिए उससे कमा रहा है तो वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी नहीं है. ठीक है. वही अगर वो कंजम्पशन गुड्स को बेचकर कमा रहा है तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. ठीक है. पहला क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. दूसरा क्या था, चेंज इन प्राइसेस. तीसरा था नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. चौथा था रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ, एक्सटर्नैलिटीज और कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी. समझ गए, समझ गए. ओके. एक लास्ट फॉर्मूला लिख लेना, जीडीपी डिफ्लेटर. ये तुम्हें 1 मार्क्स में दे देंगी मैम. डिट्टो यही क्वेश्चन दे देती है. डिट्टो डिट्टो कभी कभी तो प्राइस भी चेंज नहीं करती मैडम. और ये एक ही फॉर्मूला है. ठीक है. उसको ऊपर नीचे कर दिया है. चाहे तुम ये भी लिख दो ना, रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, तब भी ये फॉर्मूला बिल्डअप हो जाएगा. तो एक तो ये फॉर्मूला लिख लो, एक जीडीपी डिफ्लेटर का लिख लेना. अभी जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब बता देते हैं. क्या चीज़
डंडेंट है लिख दिया लिख दिया। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। तूने नहीं लिखा क्यों? ये कॉपी का था, पीछे क्यों लिख रहे हो? जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेकअप द जीडीपी। इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी ऑफ द करेंट प्राइस। तो जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। और इसकी डेफिनेशन भी लिख लेना। लिख लिया लिख लिया। धन्ना लिख लिया सबने। ओके एंड ये एक एग्जांपल लिख लेना उसी के साथ। जैसे ये वाला एग्जांपल लिख लिया होगा ना, यही दो क्वेश्चन आते हैं हर साल। बाकी पेज नंबर लिख लो अगर लिखना। 4.32 है। फोर पॉइंट थ्री टू मतलब जाएगा शाम को जाने आठ पटना आठ आठ में।